नमस्कार, यह है हमारा YouTube चैनल और हम हैं सीटेट क्रैकर। आज हम लोग EBS में NCERT 5th क्लास का दो चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 जिसका शीर्षक है सुनीता अंतरिक्ष में, और उसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने हैं यह हमारा 11वां चैप्टर जिसका शीर्षक है सुनीता अंतरिक्ष में। ठीक है, तो देखिए ये जो कहानी है, ये कहानी है सुनीता विलियम्स की। किसकी कहानी है? सुनीता विलियम्स की, जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स से कुछ प्रश्न हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सुनीता विलियम का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो सुनीता विलियम का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965। ठीक है, 19 सितंबर 1965। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है कि वो अंतरिक्ष में कब गई थी। ठीक है, तो वो अंतरिक्ष में गई थी 2006 ईस्वी में। ठीक है, दो चीज़ आप जान लिए कि सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था, 19 सितंबर 1965 को, और वो 2006 ईस्वी में गई थी अंतरिक्ष में, यानी कि स्पेस में। ठीक है, तो ये जो कहानी है, तो सुनीता विलियम्स कुछ बच्चों से मिलने के लिए इंडिया आने वाली है। ठीक है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो गई स्पेस में। ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये इंडिया आने वाली है, बच्चों से बात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वो इंडिया कब आई थी। तो इंडिया आई थी 2007 ईस्वी में। ठीक है, सुनीता विलियम 2007 ईस्वी में इंडिया आई अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करने के लिए। ठीक है, देखिए जब सुनीता भारत आई, ठीक है, यानी कि जब सुनीता विलियम भारत आई, तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। ठीक है, और सुनीता इन बच्चों से कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। ठीक है, यानी कि इनकी मित्र थी कल्पना चावला, जो इनसे पहले गई थी स्पेस में, अंतरिक्ष में, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया। ठीक है, और उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो यहाँ से भी एक पॉइंट बनता है कि कल्पना चावला स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में कब गई थी। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी 1997 में। कब गई थी? 1997 में। ये खुद आने वाली थी भारत, लेकिन इनका स्पेस क्रैश हो गया। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स भारत आई बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, सुनीता से पहले कौन गई थी अंतरिक्ष में, कल्पना चावला। ठीक है, तो कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में एक बुक है, जिस बुक का नाम है, ठीक है, जिस बुक का नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड वाई। ठीक है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, ये लिखा गया है किनके द्वारा, तो ये लिखा गया है आइजैक एसिमोव के द्वारा। ठीक है, ये बुक लिखा गया है आइजैक एसिमोव, किनके द्वारा लिखा गया है, आइजैक एसिमोव के द्वारा ये बुक लिखा गया है, जिस बुक का नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। ठीक है, ठीक है, सुनीता विलियम से इन सभी के अलावा बताया कि वो सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस शिप में गई थी। ठीक है, वो कितना दूर गई थी, तो 360 किलोमीटर दूर गई थी। तो वो सब चीज़ जो बच्चों को बता रही थी कि अंतरिक्ष में बाल खड़े हो जाते हैं, पेपर को भी दीवार से बांधना पड़ता है, खुद को भी बेल्ट से बांधना पड़ता है, तो बच्चों के मन में एक सवाल उठा कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जो सुनीता विलियम्स के बाल खड़े हो जाते थे, तो उसके पीछे कारण क्या था। ठीक है, एक बच्चे के मन में यह भी प्रश्न उठा कि किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर क्यों बहता है। ठीक है, पहाड़ भी पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे लेकिन बाल खड़े क्यों हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ से नीचे पानी क्यों नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इनके पीछे इन सभी सवाल उठ रहे थे बच्चों के मन में, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जबकि पृथ्वी पर ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, जिस पे हम निवास करते हैं, तो पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने में कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष से दिखने में पृथ्वी नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जैसे देखिए,
ये अंतरिक्ष से देखी थी कल सुनीता विलियम, ठीक है। तो पृथ्वी कैसा दिख रहा है, तो नीला दिख रहा है, इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है पृथ्वी पे। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल से सीटेट 2018 में, ठीक है, सीटेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्यमान क्या होता है और वजन क्या होता है, ठीक है, यानी कि वेट और मास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम उसको देखते हैं कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है, ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है, ठीक है। तो देखिए, एक होता है भार और दूसरा होता है द्रव्यमान। तो भार क्या होता है, ठीक है, तो देखिए, वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करने वाले गुरुत्व बल को वस्तु का भार कहते हैं, ठीक है। वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करने वाले गुरुत्व बल को, यानी कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, भार होता है, ठीक है। और वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। यानी कि भार को हम कह सकते हैं वेट, ठीक है, भार को हम क्या कह सकते हैं, वेट। और वेट जो होता है स्थान के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन दूसरा चीज़ क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ एटम्स जो वस्तु में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मून पे यानी कि चंद्रमा पे 10 kg है, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे कितना है, 10 kg है, तो पृथ्वी पे कितना होगा, तो पृथ्वी पे भी 10 kg होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर बराबर होता है। लेकिन यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या है, आगे देखते हैं। देखिए, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, किसी भी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि भार स्थान बदलने पर क्या होता है, बदलता रहता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे यानी कि मास चंद्रमा पे 10 kg है, ठीक है, तो पृथ्वी पर भी कितना होगा, 10 kg ही होगा, ठीक है। लेकिन वजन जो होता है, भार जो होता है, बदलता रहता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर आपका भार 30 न्यूटन है, ठीक है, भार को निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है न्यूटन से, ठीक है। तो उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर आपका भार 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर आपका भार 5 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार में परिवर्तन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का केवल 1/6 गुना होता है, ठीक है। यानी कि अगर पृथ्वी पर आपका भार 30 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर अगर 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि 6 से काट दीजिए इसको, तो 5 6 5 30, ठीक है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है। आगे देखते हैं, द्रव्यमान जड़त्व पर निर्भर करता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, कहीं भी नहीं बदलेगा, और भार स्थान परिवर्तन होने के साथ बदलता रहता है। देखिए, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट दिसंबर 2018 में, तो उसको हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट दिसंबर 2018 में कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। देखिए, तो ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया क्या, तो द्रव्यमान दिया गया है चंद्रमा पे 10 kg, ठीक है। तो द्रव्यमान तो आप लोग जान लें कि द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान पृथ्वी पर यानी कि ई से हम अगर अर्थ को लिख रहे हैं तो अर्थ पर भी कितना होगा, 10 kg ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या पढ़े कि भार को डिनोट किससे किया जाता है, तो न्यूटन से किया जाता है, ठीक है, भार को डिनोट करते हैं न्यूटन से। तो अगर द्रव्यमान है चंद्रमा पे 10 kg, तो भार क्या होगा, तो 10 × 9.8 m² प्रति सेकेंड, ठीक है।
जो कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसका हम कह सकते हैं कि 10 इंटू यानी कि 10 × 9.8 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो भार निकालने के लिए अगर चंद्रमा पे किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है तो पृथ्वी पर भार निकालने के लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि आंसर 10 × 9.8 किसी में भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत था जो कि सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था, तो इसके लिए सभी को एक नंबर मिला था, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था दिसंबर में ही 2018 में ही, ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है संवेग, तीसरा है भार और चौथा है द्रव्यमान। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि कौन सा सदिश राशि है और कौन सा अदिश राशि है। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं तो फिर हम बताएंगे, लेकिन अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सीटेट का तो आपका फर्ज है कि कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। इस चैप्टर में इन सभी के अलावा, ठीक है, पहले तो पृथ्वी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी कैसी दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलो आसमान को देखें, ठीक है, चलो आसमान को देखें। तो अगर आप आसमान को देखिएगा तो आसमान में आपको क्या क्या दिखाई देगा रात्रि के समय में, तो रात्रि के समय में आपको तारे दिखाई देंगे, चंद्रमा दिखाई देंगे, ठीक है, दिन में आपको सूर्य दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको सोलर सिस्टम के बारे में भी बेसिक जानकारी लेना है, ठीक है। तो देखिए सोलर सिस्टम में यानी कि सौर मंडल में कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, तो पहला है ग्रह, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्रह किसको कहते हैं, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है ग्रह, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो भी तारे या अन्य खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। हमारे सौरमंडल में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं जिनका नाम क्या है, सिरिस, प्लूटो और एरिस। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ग्रह किसे कहा जाता है, तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे कि तारा किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तारा, देखिए तारा किसको कहते हैं, ठीक है। तो तारे जो हैं, तारे स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड हैं। तारे क्या हैं, तो तारे स्वयं प्रकाशित उष्ण गैस की द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड हैं। यानी कि सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वैसा खगोलीय पिंड जिसमें अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है वे क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं, ठीक है। इनका निजी गुरुत्वाकर्षण इनके द्रव्य को संगठित रखता है, इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो इनके अंदर पाए गए द्रव को संगठित रखता है, ठीक है। और मेघ रहित आकाश में यानी कि जब आकाश साफ होता है तो रात्रि के समय प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए टिमटिमाते प्रकाश वाले बहुत से तारे दिखाई देते हैं। वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। लेकिन ग्रह जो होते हैं तो उसमें अपना प्रकाश नहीं होता, ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है। तो साफ आकाश में रात्रि के समय प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए टिमटिमाते प्रकाश वाले बहुत से तारे दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि तारा किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए सूर्य भी एक क्या है, तारा है, यह आपका सूर्य है जो कि क्या खुद भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास भी अपना ऊष्मा और अपना गैस है, ठीक है, यानी कि अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश है, तो सूर्य भी क्या कहलाएगा, एक तारा कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं चंद्रमा के बारे में, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और है कि उल्का क्या होता है, उल्का, ठीक है। चंद्रमा से पहले हम लोग देखते हैं उल्का, उल्का क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं उल्का, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीटेट में कि उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आकाश में कभी कभी, ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। ठीक है, यानी कि कभी कभी आप आकाश में देखते होंगे अचानक रात्रि में कि एक तेज़ गति से प्रकाश आ रहा है, यानी कि कुछ टूटता हुआ चीज़ आकाश से गिर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर, ठीक है, ये जो क्या होते हैं, ये जले हुए चीज़ें होते हैं, यानी कि टुकड़ा जो होता है जलते हुए आता है, तो उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो इसको आपको नोट करना है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सीटेट में कि कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में। ठीक है, कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा के कारण कौन कौन सी घटनाएँ हमको देखने को मिलती है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। देखिए, चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है तो उसके कारण क्या क्या होता है, तो उसके कारण हमको दो चीज़ देखने को मिलते हैं, यानी कि चंद्रमा की कलाओं के कारण दो चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, पहला अमावस्या है और दूसरा क्या है, पूर्णिमा है। ठीक है, तो देखिए अमावस्या को होता क्या है, तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और पूर्णिमा को क्या आता है, तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले देखिएगा भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि फिजिक्स की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए क्या होता है, ढक जाता है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और चांद किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी के। ठीक है, लेकिन कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, कभी कभी चांद क्या होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी क्या होता है, रोक लेता है, जिससे धरती पे साया फैल जाता है, यानी कि अंधकार फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और यह घटना हमको देखने को कब मिलता है, अमावस्या को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इमेज के माध्यम से, यानी कि फोटो के माध्यम से, कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण तो देखिए आप लोग, ठीक है, देखिए ये जो स्थिति है चंद्रमा का, यानी कि ये है आपका सूर्य, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया है, चंद्रमा आ गया है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगा, तो ये स्थिति कहलाएगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो ये क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं, ठीक है, तो देखिए चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे, ठीक है, यानी कि जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, तो पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। ठीक है, उसकी छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और ये चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये चंद्र ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा को। ठीक है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं चंद्र ग्रहण की स्थिति। देखिए ये जो स्थिति है हमारा, ये क्या है, ये है सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, चंद्रमा है। तो देख रहे होंगे तीनों एक सीधी रेखा में आ गई है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो ये इस स्थिति को हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए यहाँ पे बताया गया है सुनीता विलियम की कुछ कहानी दी गई है। ठीक है, तो देखिए सुनीता जब 5 साल की थी, ठीक है, यहाँ से भी एक पॉइंट निकलेगा हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या नाम है, नील आर्म स्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। ठीक है, यानी कि जब सुनीता विलियम्स
5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था सन 1969 में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन आपका यहाँ से कि चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, और ये कब की बात है, ये बात है 1969 की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कुशनीता विलियम, ठीक है, सुनीता सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला है। ठीक है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, ये लगभग 6 महीने अंतरिक्ष में रही थी, 6 मंथ। तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब अभी हम लोग एक और चैप्टर देखेंगे, ठीक है, 12वां चैप्टर। देखिए ये है हमारा 5th क्लास NCERT EVS का 12वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है खत्म हो जाए तो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में कहानी है हमारे संसाधन की जो ज़मीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है, यानी कि पेट्रोल। ठीक है, यानी कि तेल के बारे में है। ठीक है, कच्चा तेल जिसे क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, क्रोसिन बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो कुछ बच्चे हैं जो कि कहाँ जा रहे हैं, बस का सफ़र कर रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, तो आज हम लोग अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अदालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि अदालज की बावड़ी कहाँ है, तो अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इसको नोट करना है, अदालज की बावड़ी कहाँ है, तो 18 किलोमीटर अहमदाबाद से दूर। ठीक है, जब बच्चों का बस इन लोगों को ले कर जा रहा है, बच्चों को ले करके जा रहा है अदालज की बावड़ी दिखाने के लिए, जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इनका बस क्या होता है, इनका बस एक पेट्रोल पंप पे रुकता है तेल लेने के लिए। ठीक है, वहाँ पे बच्चों को दिखता है एक पोस्टर दिखता है, जिसमें कि देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है कि हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि तेल लेते समय, यानी कि पेट्रोल पंप पे लेते समय आपको इंजन क्या रखना है, बंद रखना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए मूल्य दिखाया गया है पेट्रोल और डीजल का, तो पेट्रोल का मूल्य कितना है, तो 64.91 प्रति लीटर, जबकि डीजल का मूल्य कितना है, 54.70 प्रति लीटर। ठीक है, तो ये पोस्टर देख करके बच्चों के मन में कुछ सवाल उठने लगा कि तेल का भंडार सीमित क्यों है, कैसे है, तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ठीक है, तो तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि कच्चा होता है उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम बनाया जाता है। ठीक है, और उसी में से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, किरोसिन बनता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं बहुत सारे चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, दिखाया गया है पेट्रोल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पेट्रोल और डीजल है, ये सन 2002 में 1 लीटर की कीमत है अक्टूबर में। ठीक है, ये जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं अहमदाबाद की ही बात है शायद। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल 2002 में कैसे है, 29.91, जबकि 2007 में कैसे है, 43.52। ठीक है, जबकि 2014 में 67.86। डीजल देखिए 18.91 है, ठीक है, जबकि यहाँ पे अक्टूबर 2007 में 30.48 है, ठीक है, जबकि 2014 में 58.97 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पेट्रोल का जो मूल्य है डीजल से ज़्यादा है। ठीक है, तो पेट्रोल का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पेट्रोल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, रोशनी में उपयोग करते हैं, यानी कि पेट्रोल इसमें रोशनी के लिए कौन कौन सा चीज़ उपयोग करते हैं, तो किरोसिन यूज करते हैं। देखिए ड्राइंग क्लीनिंग में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, रोशनी के लिए किरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयान ईंधन के लिए, ट्रक के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कार के लिए। ठीक है, अब देखिए LPG गैस जो कि पेट्रोलियम का ही एक रूप है, वो कहाँ पर यूज किया जाता है, तो मिट्टी के तेल और गैस के रूप में। ठीक है, मशीनों में भी उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक रंग रोगन में भी पेट्रोल के जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि क्रोसिन डीजल हो गया, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक रंग रोगन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो मूल्य देखें पेट्रोल और डीजल का मूल्य, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, ये 2-3 बार क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था।
देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल का दाम दिया हुआ है और डीजल का दाम दिया हुआ है जो कि 2 जून 2007 और दिसंबर 2014 में है। ठीक है, तो देखिए जून 2007 में पेट्रोल का दाम कितना है तो 47.74 रुपये प्रति लीटर, जबकि दिसंबर में कितना है तो 61.33 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, उसी प्रकार डीजल का मूल्य जून में कितना है तो डीजल का मूल्य जून में है 35.21 रुपये प्रति लीटर, जबकि दिसंबर में कितना है तो 50.51 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, तो अब जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या क्या लिखा, तो पहला बात लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। ठीक है, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। दूसरा बात क्या लिखा, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तीसरा क्या लिखा, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या लिखा, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3 तथा 4 निष्कर्ष हैं, यानी कि जो 4 पॉइंट लिखा है तो उसमें से ये 3 और 4 सही है। दूसरा है 1 तथा 4 प्रेक्षण है। तीसरा है 1 तथा 3 प्रेक्षण है। और चौथा है 2 तथा 3 निष्कर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, 1 नंबर। ठीक है, यानी कि 3 और 4, तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो निष्कर्ष है। ठीक है, तो देखिए तीसरा और चौथा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। बिल्कुल सही बात है, जो बस होता है यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं जैसे बस हो गए और भी जो ऑटो हो गए। ठीक है, तो ये किस पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं, क्योंकि डीजल क्या है, सस्ता है। ठीक है, अगला क्या है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, बिल्कुल लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ ही खरीदनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है इसलिए हमको डीजल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी हमको पेट्रोल को बचाना चाहिए कि पेट्रोल डीजल बनता किससे, तो डीजल बनता है पेट्रोल से। ठीक है, तो डीजल सस्ता होता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पे चलते हैं। यहाँ से जो आपका पॉइंट पूछा जाएगा सीटेट में कि हमको ईंधन बचाने के लिए निजी वाहन का उपयोग करना चाहिए या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोल कैसा होता है, यानी कि देखने में कैसा होता है, किस प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि पेट्रोल किस प्रकार का पदार्थ होता है, यानी कि उसका नेचर किस प्रकार का है, उसका रंग किस प्रकार का होता है, वो गाढ़ा होता है, ठीक है, या पतला होता है। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल जो होता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि पेट्रोल काला, गाढ़ा और तरल पदार्थ और बदबूदार पदार्थ होता है। पेट्रोल कैसा होता है, तो गाढ़ा होता है, तरल होता है और बदबूदार पदार्थ होता है। पेट्रोल, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पेट्रोल गाढ़ा, तरल और बदबूदार पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आगे है कि घर में चूल्हा कैसे जले। ठीक है, तो एक महिला है दुर्गा, ठीक है, एक महिला है दुर्गा जो हरियाणा के गांव में रहती है। ठीक है, उसको दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए क्या करनी पड़ती है, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है। मतलब अभी भी इस चैप्टर में दिखाया गया है कि अभी भी कुछ गांव वैसे हैं जहाँ पे एलपीजी ईंधन का उपयोग ना करके लोग लकड़ियों का उपयोग करके ही खाना बनाते हैं। ठीक है, देखिए लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, और इस ये आग जो होता है लकड़ी का, उपला का, सूखी टहनी का, तो इसका उपयोग लोग आग सेकने में, पानी गर्म करने में और रोशनी के लिए भी करते हैं। ठीक है, लेकिन घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, एलपीजी हो गया, खाना पकाने का गैस हो गया, कोयला हो गया, बिजली हो गया इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ से दिखाया गया है कि आज मतलब इंडिया में आज मतलब देखने को हमको मिलते हैं कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर लकड़ियों के द्वारा ही खाना बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी का उपयोग करके ही खाना बनाया जाता है, एलपीजी का प्रयोग कम किया जाता है।
ठीक है। तो देखिए लकड़ी का खाना, लकड़ी से खाना बनाने से होता क्या है, ठीक है, लकड़ी का नहीं सॉरी, लकड़ी से खाना बनाने से क्या होता है कि धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है, और उस धुएं से क्या होती है, खांसी हो जाती है, ठीक है। देखिए उसकी बेटी जो है, दुर्गा की बेटी जो है, उसकी मदद करती है खाना बनाने में, लेकिन दुर्गा को कई महीनों से क्या है, खांसी है, ठीक है, क्योंकि लकड़ी से विषैला धुआं निकलता है तो उसे क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर क्या करती है, खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों के धुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो कारण क्या हो सकता है, ये कारण हो सकता है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं निकलता होगा जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि अगर एलर्जी होगी तो वो खाना बनाती ही नहीं। अगला है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है, बिल्कुल नहीं क्योंकि उसकी बेटी को खांसी हुआ तो वृद्धावस्था में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन ये है हमारा कि दुर्गा एक गाँव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है और उसे 3 महीने से खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है खत्म हो जाए तो इस चैप्टर में अभी तक ये मात्र एक दो ही क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है, एक पेट्रोल से पूछा गया है, एक खांसी संबंधित पूछा गया है, दूसरा सार्वजनिक वाहन का उपयोग संबंधित पूछा गया है, ठीक है। तो आपको 3-4 पॉइंट ही इस चैप्टर से याद रखना है कि हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। पेट्रोल कैसा होता है, तो पेट्रोल गाढ़ा तरल और बदबूदार पदार्थ होता है, ठीक है, और धुआं से क्या होता है, खांसी होता है क्योंकि उत्पादित धुएं ईंधनों के जलने से जो लकड़ी होती है, कोयला होती है, तो उसके जलने से काला धुआं निकलता है जो श्वसन नली में जा करके जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो इसी के साथ आज इतना ही, ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।